मजबूत करने आ रहे हैं हम आपके लिए कुछ खास लेकर बहुत जल्द आपके अपने परिवार एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आरोप दोस्तों नींव यानी फाउंडेशन मजबूत हो तो समुद्र पर बना पुल भी टिकता है परंतु नींव कमजोर हो तो जमीन पर बना ताजमहल भी गिर जाता है आने वाले साल 2024 में सभी एग्जाम्स की तैयारी की बुनियाद मजबूत करने आ रहे हैं हम आपके लिए कुछ खास लेकर बहुत जल्द आपके अपने परिवार एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आरोप दोस्तों नींव यानी फाउंडेशन मजबूत हो तो समुद्र पर बना पुल भी टिकता है परंतु नींव कमजोर हो तो जमीन पर बना ताजमहल भी गिर जाता है आने वाले साल 2024 में सभी एग्जाम्स की तैयारी की बुनियाद मजबूत करने आ रहे हैं हम आपके लिए कुछ खास लेकर बहुत जल्द आपके अपने परिवार एस एस सी अड्डा ट्वेंटी दोस्तों नींव यानी फाउंडेशन मजबूत हो तो समुद्र पर बना पुल भी टिकता है

छह बजे रीजनिंग और रात आठ बजे हिंदी यानी अस्सी नंबर मेरे हाथ में चालीस नंबर रीजनिंग चालीस नंबर हिंदी लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें तो हम तो हर हर सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज हर संडे टॉपिक और मंडे से तबाही तैयारी कराने में आ रहा हूं तो जुड़िएगा जरूर एस एस सी द्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम छह बजे रीजनिंग के लिए रात आठ बजे हिंदी के लिए इंतजार रहेगा आपका नमस्कार साथियों मैं हूं अतुल अवस्थी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2023-24 में फाइनल सिलेक्शन की गारंटी लेकर मैं आया हूं क्यों क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है मैं चाहता हूं कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूंगा क्योंकि रोज सोमवार से लेकर शनिवार में शाम छह बजे रीजनिंग

नमस्कार दोस्तों प्रणाम आदाब करता हूं। और आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था यानी आज आप 20-20 रुपए के दो महंगे सवाल लेकर आया हूँ जो जीत जाएगा आज उसको बीस बीस रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा एक नई नोट है एक पुरानी नोट है और आज जितने लोग आज के सेशन को मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप लोगों को अपनी पेटी वेटी बांध के रखना चेयर की और अगर आज आपको ऐसा लग जाए कि सर आज तो आप भगवान का सम दिल खुश कर दिए मैं बार बार देखो मेरे कहने का मतलब है ना कि मैं अगर एस एस की रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो जब भी दोस्तों यारों में भी चर्चा हो ए, एक बार तो ये होगी यार जी तो रगड़ के समझेंगे और आराम से समझ में आ जाएगी बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है रोज शाम को छह बजे अगर गुदा है आपके अंदर पैंतालीस मिनट सिर्फ आपको मुझे सुनना है अगर आप मुझे सुन भी नहीं पा रहे हो तो बेटा जी समझो आप नौकरी आपके लिए नहीं बनी है हम वो पंडित हैं बर मर जाए चाहे कन्या हमको दक्षिणा से मतलब है हम ही से पढ़ के कुछ लोग सिलेक्शन पा लेंगे और हम ही से पढ़ने के बाद कुछ कहेंगे कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता पानी सबके लिए बराबर बरसता है डिपेंड करता है कि कौन छन्नी लेके खड़ा है और कौन तो दूध छन्नी में मत दूहो बाल्टी में दूहो ताकि बाद में इकट्ठा हो जाए वरना एक बूंद भी पीने को नहीं मिलेगा बाकी परमात्मा आपको समझदार हो बुद्धि दे रखा है आपको सिर्फ पैंतालीस मिनट सुनना है और पैंतालीस मिनट बाद अगर आपके विचार बदल गए कि बाप रे बाप मैं यार इतना भी बेवकूफ नहीं जितना मैं खुद को समझता था यार कॉम्पिटिशन मेरे से नहीं होगा जो एकदम पढ़ाई से मन त्याग चुका है जिसका पढ़ाई से मोह भंग हो चुका है कि नहीं मेरा कुछ होगा ही नहीं सुन लो एक हफ्ते मुझे एक हफ्ते सात दिन सुन लो सात दिन में अगर ये ना कहला कह दिए कि अब यार ये सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही लेंगे इस सब्जेक्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं ये मेरी गारंटी है तो कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ दो कुछ तो मेरे ऊपर विश्वास कर लो और मेरी जिम्मेदारी है कि ये कबूलवा के मानूंगा तो हिंदुस्तान के उन सभी लड़कों को कोटिशाह धन्यवाद जो रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ते हैं आइए आज देखते हैं थॉट ऑफ द डे क्या है देखते हैं लकी आज थॉट ऑफ द डे क्या लेकर आता है फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं लकीन बड़ी बात सही कही कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है और जिंदगी में आपकी उम्र या आपकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप सारी गलतियां अकेले कर लें तो कोशिश करिएगा कि दूसरों की गलतियों से सीखिए हर गलती खुद करने की कोशिश मत करें जीवन में बहुत आगे जाओगे और आज के आज के सेशन के बाद माता जी को बैठाओ पिताजी को बैठाओ पूरा परिवार बैठकर मेरी बात सुनो और आज के सेशन में अगर पैंतालीस मिनट में आपका दिल खुश हो जाए कि सर अब रगड़ के जितने तरीके का क्वेश्चन आएगा एकदम स... मतलब दुनिया कहेगी कि बंदे ने गजब तरीके से सॉल्व किया है तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन देखते हैं आज क्या कुछ है आप लोगों के लिए यह है आप लोगों की 40 की साम बजे, 40 की बजे, के नंबर नंबर रीजनिंग शाम बजे बजे की सामान्य हिंदी रात दिला मानूंगा मेहनत कर सको तो बोलो बस आप लोगों को यह याद रखना है कि अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में अगर आप अपनी करियर शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी भी तरीके की नोट खरीदने जा रहे हैं तो आपको कूपन कोड वाई का इस्तेमाल करना है वाई और एक बात याद रखिएगा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज का सेशन शाम छह बजे रीजनिंग और रात आठ बजे हिंदी दोनों चालीस चालीस नंबर मेरे हाथ में है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इसके लाजवाब बेहतरीन बना सकूं ठीक है ना तो चलते हैं और यही है वो महापैक जिसके बारे में मैं सबसे कहता हूं एस एस सी घंटे की लाइव क्लास है टेस्ट सीरीज है डिटेल सोल्यूशन के साथ लगभग ढाई लाख लग सवाल इसके अंदर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है दोनों लैंग्वेज में एक किताबें हैं और ये ये अभी मैं सेशन के अंत में बताऊंगा कि आपको

सर ये पूछ रहा था हाँ आज भी है नहीं आज शायद अच्छा ठीक है सर ठीक ओके थैंक यू अगर ये आप जो देख रहे हैं मेरी बात बहुत ध्यान से समझना ये वो लोग हैं जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं ठीक है, है ना और कमेंट करते हैं और आज का सबसे प्यारा कमेंट आज का सबसे प्यारा कमेंट सूरज सिंह फौजदार साहब सूरज सिंह फौजदार साहब ने कमेंट किया है थैंक यू सो मच गुरुजी मैं पिछले मन से आपकी क्लास रेगुलर देख रहा हूं मैं टेस्ट सीरीज सीरीज में मैं भी लगाता हूं मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है रीजनिंग में मैं 18 19 प्रश्न सही हो जाते हैं फरवरी तक वरना फरवरी तक वरना रहा तो बीस में बीस सही होंगे थैंक यू सो मच आई लव यू टू मेरे प्यारे गुरु बड़े भैया अतुल सर थैंक यू सो मच एक प्यार है एक ये सबसे अच्छा कमेंट आया था यादव सुबोध कुमार साहब का यादव सुबोध कुमार साहब ने इतनी प्यारी बात लिखी कि मुझे इनका कमेंट दिखाने के लिए मजबूर हो गया ये लाइन मैंने कहीं सुनी थी तो इन्होंने मेरे लिए इंप्लीमेंट की बड़ा खूबसूरत सी लाइन थी कि लव यू अतुल सर अगर आपका स्टूडेंट भारत में एक हजार है तो उसमें एक हम भी हैं और अगर एक है तो वो हम ही हैं और अगर कोई नहीं है तो अब हम इस दुनिया में नहीं हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यादव सुबोध कुमार जी यादव सुबोध कुमार जी थैंक यू सो मच कि आपकी इतनी मोहब्बत के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार मोहब्बत मेरे लिए दिखाते हैं थैंक यू सो मच तो आइए ये, ये दो ऐसे कमेंट थे जो आज मुझे बहुत ही अच्छे लगे और ये कमेंट ऑफ द डे बने तो थैंक यू सो मच आज का सबसे प्यारा कमेंट यही रहा तो आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं सेशन कैसा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चलती है शुरुआत करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या कुछ आपके पास है ये रहा आज का पहला सवाल आज पहले सवाल से ही समझ जाएंगे कि आज अतुल सर कितना मसाला दिखाने वाले हैं और दिल खुश हो जाएगा जरा सोचना कि यह सवाल कैसे होगा थैंक यू आप तो इसे कैसे करते हो? तुमको एक बहुत ही प्यारा सा तरीका बताते हैं एक शानदार तरीका बताते हैं कि सॉल्व कैसे होगा एक शानदार तरीका बताते हैं ये कैसे सॉल्व होगा बात सही लगेगा तो हमको बताना कि सर का कहना सही है कि नहीं एक बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं जरा ध्यान से सुनना बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत अर्थिंग आ रही है यार माइक में अब जैसे आपसे ये सवाल हुआ दूसरी सबसे लंबी लड़की कौन है दूसरी सबसे लंबी लड़की कौन है अगर मैं आपको वहां तक समझा सका अगर मैं आपको वहां तक पहुंचा सका तो मुझे फॉलो करना जरा समझना जिनको कुछ नहीं आता वो भी इसे कैसे देखेंगे जरा सुनना जिनको आता है वो तो आंसर दे लेंगे आराम से पढ़ेंगे पांच लड़कियां अलग अलग लंबाई की हैं एम एन से लंबी है एम किससे लंबी है एन से लंबी है एम एन से लंबी है बोले हाँ सर एम एन से लंबी है बोले हा एमएन से लंबी है बोले सर ठीक है अगर एम एन से लंबी है दूसरी बात लेकिन से 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 नाटी नाटी है 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 अब एक बात मेरी बताना लंबी लेकिन क्या यहां तक किसी को कोई समस्या आई यहां तक किसी को कोई समस्या आई यहां तक किसी को अगर किसी को लगे अरे सर मुझे नहीं आ रहा मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे टोक देना यहां बोल रहा है एम एन से लंबी है एम एन से लंबी है लेकिन एल से नाटी है बोले हाँ सर एन से नाटी है के जो है वो एन से नाटी है अच्छा चलो ठीक है के एन से नाटी है तो हम इसको ऐसे बना देते हैं है, वो थोड़ा सा अलग लग रहा था एन से नाटी है ठीक है नाटी है अब जे एल से नाटी है तो जे जो है वो एल से नाटी है जे एल से नाटी है जे एल से नाटी है लेकिन एम से लंबी है तो एम से लंबी हो गई ये हो गई एम से लंबी हो गई तो बताओ दूसरी सबसे लंबी लड़की कौन है अब ये आपके पास टोटल अलग अलग इंफॉर्मेशन है एक इंफॉर्मेशन ये है एक इंफॉर्मेशन ये है एक इंफॉर्मेशन ये है अब आप लोग हमको बताएंगे कि आप इसे कहां से देख देख रहे रहे हैं हैं और कैसे देख रहे हैं? दूसरी सबसे लंबी लड़की कौन है के एन से बड़ा है एल एम से छोटा है अब हमसे ये बताओ एल एम से बड़ा है अब देखो एल एम से बड़ा है एल जे से बड़ा है तो यानी ये एल ये तीनों ये तीनों बैठ गए ठीक है ना अब यहां पे एन बचा अब यहां पे देखो एम जो है वो एन से बड़ा है ठीक है ना एम एन से बड़ा अब दूसरी सबसे लंबी बोल रहा है तो जो भी आएगा इधर आएगा तो हमारे पास सबसे लंबी तो एल हो गई सबसे लंबी एल हो गई और जो दूसरे नंबर पे थी वो जे हो गया पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे अगर के भी आ गया और अंत में एन आ गया ये इसको अगर हम जोड़ दिए ये के और एन आ गया तो अब जो सबसे बड़े हैं वो ये तीन हैं। यानी ये सबसे लंबा ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जे है वो दूसरी सबसे लंबी लड़की है जो जे है वो दूसरी सबसे लंबी लड़की है और एग्जाम में हमेशा ये सोचो कि देखो ग्रेविटी वाले क्वेश्चन हर दिन हम हर तरीके से करते हैं अभी सिर्फ पहला सवाल बताया है तो दूसरी सबसे लंबी लड़की कौन है जे है यानी दूसरी सबसे लंबी लड़की जे है आगे चलते हैं दूसरा सवाल ये आता है कि पहले मेरी बात समझना जिनको नहीं आता वो जल्दी से स्क्रीन पे आ जाएं। इसकी आज मैं तुमको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं आपको ये ये बताना है कि ये जो समीकरण दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। पी का टी से क्या संबंध आज तुमको एक जादुई ट्रिक बताते हैं इसको सॉल्व नहीं करना है तुम लोग जैसे सॉल्व करते हो कर लो नहीं तो कहोगे पता था आप हमें बताए नहीं आप आराम से पहले देख लो और लगे कि हाँ अतुल सर इसी चीज को आप दो तीन बार करवा दीजिएगा ताकि हमको ये याद हो जाए अगर मेरी ट्रिक आपको सही लगे तो मुझे बताइएगा पहले मेरी बात relation, relation, है? धीरे, धीरे, आराम से जल्दबाजी नहीं करूंगा सुनना मेरी बात जैसे मैंने तुमसे कहा कि बेटा जी ये याद है कि नहीं पहले कमेंट बॉक्स में लिखो यस और नो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर फर्स्ट जनरेशन होता है मदर हो फादर हो या अंकल हो या आंटी हो ये फर्स्ट जनरेशन होता है यानी मदर फादर अंकल आंटी फर्स्ट जनरेशन होता है ब्रदर हो 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 सिस्टर कजिन ये जीरो जनरेशन होता है सन डॉटर नीस या नेफी हो यानी भतीजी भांजा पुत्र या पुत्री ये माइनस वन होता है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो ये माइनस टू होता है ये याद रहेगा कि भूल जाओगे मुझे बताओ ये याद रहेगा कि भूल जाओगे ये याद रहेगा अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगेगी तो मुझे फॉलो करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं ये

तुरंत गीला पीला दोनों हो जाता है पेंट में कि अरे सर हमसे नहीं हो पाएगा देखो 230 लोग हो गए आंसर देने वाले और जब इजी क्वेश्चन कराता हूं तो 1400 सौ 1800 सौ लोग आंसर दे रहे होते हैं और जबकि तो ये बात समझो लोग आजकल देखते हैं ना कि अगर इजी इजी क्वेश्चन सर अरे मैं तो कर लेता अरे कम से कम नई चीजें सीखो तो मैं तो तुमको ड्रॉ करने के लिए भी नहीं बोल रहा यहां पे भाई है तो जीरो आंसर जे, जे, हो गया ये भाई है तो जीरो जनरेशन हो गया वाइफ है तो जीरो है वाइफ है तो जीरो है, तो है। पिता है तो वन है पुत्र है तो माइनस वन है पिता है तो वन है पुत्र है तो माइनस वन जनरेशन है यहां पे किसको नहीं समझ में आया अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैंने सबको बोल दिया भाई जीरो पत्नी जीरो बाप पहली जनरेशन सन माइनस वन अब अगर यहां परसेंटेज है तो परसेंटेज कौन सी जनरेशन है एट द रेट कौन सी जनरेशन है एंड कौन सी जनरेशन एंड कौन सी जनरेशन जनरेशन सबको एड कर दो यहां वन है इनको एड कर करोगे तो माइनस वन प्लस वन आपस में कट जाएगा आंसर जीरो जनरेशन आना चाहिए यह क्या है माइनस वन नहीं हो सकता ये क्या है माइनस वन नहीं हो सकता यह क्या है ब्रदर इन लॉ यानी ब्रदर इन लॉ ये मान लो इन लॉ के कंडीशन में इन लॉ नहीं हो सकता तो आपके पास बचा क्या ब्रदर विल बी द राइट आंसर ब्रदर विल बी द राइट आंसर बिना सॉल्व किए जवाब दे सकते बिना सॉल्व किए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है और मैं ये नहीं कहता कि एक ऐसा रूल है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे और आपको इसको ड्रॉ करना ही नहीं पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है ये 80 परसेंट क्वेश्चन में हर जगह लग जाता है वरना कहीं कहीं केवल दो ऑप्शन हट पाते हैं कहीं एक ऑप्शन हट पाता है कहीं तीन हट के सीधे आंसर दे देता है कहीं ऑप्शन ही नहीं हटता तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो कंडीशन है जिसे देख के विद इन अ सेकेंड तुम सोच सकते हो कि हां ऐसा भी हो सकता है तो ये एक तरीका है जिसे सुनना पड़ेगा और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमेशा क्वेश्चन ट्राई किया करो मैं आपको हर तरीके का मसाला अब जैसे ये सवाल है मैं भगवान कसम कहता हूं इस सवाल में अभी तीन लोग हो जाएंगे आंसर देने वाले तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को करो नहीं नहीं। लेकिन सुनो तो सही कम से कम सुनो तो सही अब मैजिक को ये लिखेगा तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा अपनी अंतर आत्मा पे हाथ के कहना अगर अतुल अवस्थी सही कहना क्या मैंने इसमें इक्कीस सेकेंड लाजमी दिया है? मुझे इतना बता दो क्या मैंने इसमें इक्कीस सेकेंड जो दिया है वो मुझे देना चाहिए आपको नहीं लग रहा है कि सर प्लीज 21 सेकंड देके मेरी बेजती मत कराइए आप। आपको ऐसा नहीं लग रहा है मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि अगर इस तरीके का सवाल अगर कर रहे हो तो कम से कम ये चीजें करना सीख लो अगर तुमको ये लगता है अरे सर मुझसे क्वेश्चन हो जाते हैं इस बात से नहीं मतलब है कितनी जल्दी होते हैं इस बात से मतलब है कितनी जल्दी होते हैं इस बात से मतलब है और देखो उसने क्या कहा पे पे सी यहां पे आई मतलब ये ऐसे ऐसे इसका ऐसे इसका ऐसे तो यानी शुरू में आई होना चाहिए शुरू में आई कहा नहीं है यहां नहीं है और यहां नहीं है अंत में एच होना चाहिए एच यहां पे नहीं है यानी ये सही है मुझे बोलो पहले कि इक्कीस सेकेंड ज्यादा था लिखो पहले मेरी भी अपनी एक जिद है पढ़ाने की मैं नहीं मानता कि यहां सर मेरा सोल्यूशन हो गया क्या करूं अचार डालू तुम्हारे सोल्यूशन का तुम्हारे जैसे छत्तीस लाउंडे टहल ने आंसर करने वाले अगर पांच सेकंड में देख के आंखें सातिर आखिर साताह हाँ सर पहला सही होगा अगर मैं बार बार कह रहा हूं ये आदत नहीं पड़ी है ना तो तुम्हारे जैसे सॉल्व करने वाले हमारे शहर में वो चाहे पटना पी हो पटना बोरिंग रोड हो या प्रयागराज हो या मुखर्जी नगर हो या लक्ष्मी नगर हो छत्तीस लाउंडे टहल ने तुम्हारी तरह आंसर करने वाले मैं इस बात से मुझे बोलो कि हां सर ये ट्वेंटी सेकेंड बहुत ज्यादा था मेरे टाइमर की वैल्यू है मैं फर्जी टाइमर नहीं चलाता हूं अगर पांच सेकंड का सवाल है तो ये कहो कि हां दिस इज ओनली फाइव सेकंड क्वेश्चन एक्सेप्ट करो और जब टाइम बचाने की आदत होगी तो पेपर इतनी जल्दी हो जाएगा कि एग्जामिनर भी देखेगा यार ये लड़का गजब क्वेश्चन करता है आदत डालो बात समझने की कोशिश करो कि मैं तुमसे कह क्या रहा हूं अब जैसे ये सवाल मैंने बोला त्रिभुज सोच समझ के जवाब देना कि कितने ट्रायंगल है और किसी ने कहा सर, सर 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 तो फिर ये समझ लेना दांत तोड़ देंगे पहले 21 सेकंड है आराम से सोचो किसने गुरुकुल दिखाना ठीक है ठीक है पक्का 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 डेफिनेटली हाँ दो सेकंड दो सेकंड हाँ ठीक है आप लोगों का एक सीजीएल का बहुत ही अच्छा फाउंडेशन आ रहा है आज मैं आपको दिखा दूंगा कई बच्चे परेशान थे फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन बहुत जल्दी आपका आ रहा है आ जाओ तेरह चौदह तेरह चौदह को दिक्कत है इन चौदह वालों से इन ग्यारह वालों से ग्यारह वालों को तो मुझे लगता है कि भगवान कसम तुम्हारा माथा चूम के बाहर खेलने भेज दे बेटा कम कम से कम इतना तो होशो हवास रखा करो कि एक चतुर्भुज बन रहा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन बेटा जी देखो जो तुम क्वेश्चन आंसर जानते हो अगर मेरी बात बुरा मत माना करो बेटा जी देखो बुरा लगे दो रोटी ज्यादा खा लो मैं डांटता चिल्लाता इसलिए हूं कि तुम जब किसी के सामने क्वेश्चन करो तो लोग तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी तारीफ में मेरी तारीफ छुपी होती है अब जैसे मैंने बोला कि आंसर क्या होगा तो इसके अंदर ये एक है ये दो है ये तीन है ये चार है तो चार का दो गुना कर दिया तो चार गुना आठ हो गया आठ के बाद ये नौ है और ये दस है दस है दस के बाद अगर मैं बात करूं दस के बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाला दस के बाद अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला अगर ऐसे ऐसे बांटा जाएगा तो चार दून आठ नौ दस दस के बाद अगर ये तीन ट्राइंगल ये पूरा बड़ा वाला ये पूरा बड़ा वाला और सबसे बड़ा वाला तो अगर द, दस में तीन और जोड़ देंगे तो ये दस तीन तेरह हो जाएगा मैं आपको यही समझाना चाहता हूं आप ये ना कमजोर समझाया अरे सर मेरे से हुआ नहीं अरे सर हो जाएगा अभी सिर्फ चार सवाल कराए हैं अभी सोलह सवाल बाकी है लेकिन सर अब ग्यारह जो कह रहा है सोचो कुछ भी मतलब ऐसा जवाब मत दो कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाए तेरा मतलब तेरा जवाब है है अब इसका देखो उसने पूछा है कि बताओ वाटर इमेज क्या बनेगा मेरी बात सही समझ में तो मुझे बताना उसने पूछा वाटर इमेज क्या बनेगा यानी एक तरीके से आईना यहां रखा हुआ है जल्दबाजी मत करना और फिर मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से सोचो आंसर क्या होना चाहिए अच्छा एक बात बताओ अंतरात्मा से बोलो कि देखो मैंने आपको एक चीज बोला था बुरा मत मानना कि दुनिया में नीच पापी कुकर्मियों को खोजने की आवश्यकता नहीं होती अब जैसे ये दो मतलब अगर दो ऑप्शन भी तुम नहीं हटा रहे हो ना ऐसे ऐसे करके तो बेटा जी मुझे सच में बुरा लग रहा है यार मुझे सच में बुरा लग रहा है कि अगर आप ये दो ऑप्शन देखते ही नहीं हटा रहे हो तो और मैं थोड़ा सा आपको प्रेसराइज इसलिए करता हूं कि तुम्हारी टाइमिंग बढ़ानी है मुझे मुझे तुम्हारी टाइमिंग बढ़ानी टक से दो ऑप्शन हट गया सर पहला दूसरा नहीं होगा अब बचा तीसरा चौथा जरा दिखाइए तो हाँ सर ये वाला गलत हो गया ये सही होगा बोले सर आप कर क्या रहे मैंने कहा अच्छा कसम खा के बोलो इनको जो देखा वो गधा है कि नहीं इनको जो भी देखा वो गधा है कि नहीं बोलो हा या ना क्योंकि ये वो, ये वो मिरर इमेज बन रहा है लेफ्ट राइट चेंज है बोलो हा या ना बोले अतुल सर एक बात बताएं अगर चलो मान लो हम कह रहे एक चलो एन भी चलो सेम है चलो एन ए, एन पूरा सेम है एन तो सेम है चलो इसको हटा दो इसको हटा दो यहां पे अगर स्मॉल एच है तो कैपिटल नहीं होगा तो चलो आप ठीक है है तो बगल में ही ना तो मैं चाहता हूं कि आपकी टाइमिंग इंक्रीज होनी चाहिए बात समझ रहे हो कि अगर किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं दो सेकेंड में हो गया अब कम से कम जो चीजें आप लोग करते थे ना कि इतने समय में हो गए वो कम से कम समय में हो गया हो जाए सॉरी इंक्रीज नहीं कम होना चाहिए हाँ टाइमिंग कम होनी चाहिए कि आप कम से कम समय में कैसे कुछ देखो क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज नहीं होती है जैसे मान लो अब जैसे सिलोग हम क्वेश्चन देख रहे हैं अब जैसे ये ये सवाल हम अब ये हो गया कि सर जैसे होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं दिखाओ सिलोग हो जाएगा ये गलत होने का चांस ही नहीं पैदा होता जैसे इसका गलत जवाब तुम दे ही नहीं सकते असंभव है ट्राई कर लो ये जितने कमेंट दे रहे हो अतुल अवस्थी की बात पे भरोसा क्यों करते हो तो कमेंट देखो पहले कमेंट देखो अगर एक सिंगल बच्चे का भी गलत हो गया तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा सारे बच्चे सेम जवाब देंगे हाँ टेलीग्राम पे सबको मैं दे देता हूं पीडीएफ सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इधर आ जाओ अगर मैंने आपसे बोला मेरी बात जरा समझो सम मिल कार पनीर तो अगर मेरी बात सही लगे तो मुझे बताना कि सम मिल कार पनीर किसी को कोई समस्या सम मिल कार पनीर ऑल पनीर इज करी पूरा पनीर क्या है करी है तो उसने बोला सब मिल्क इज पनीर ऑल पनीर इज करी

करी, तो अब ये तुमको साफ साफ दिखाई देगा कि मिल्क का कुछ पार्ट करी भी है मिल्क का कुछ पार्ट करी भी है, तो मेरे दबाव में नहीं बोलोगे अंदर से आवाज आने दो सब पनीर और मिल्क तो पनीर का कुछ पार्ट मिल्क है बोले हाँ सर बिल्कुल सही है मेरी वजह से दबाव में कह रहे हो कि अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि नहीं सर मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं मेरी वजह से दबाव में तो नहीं कह रहे हो ना और ये अगर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर पहला दूसरा सही होगा वो मेरे दबाव में नहीं कह रहे हो सबका आंसर सेम है लाजवाब लेकिन गलत सलत कुछ भी करो आंसर करो बस ये मैं कह रहा हूं ये करके दिखाओ सबसे आज का शानदार सवाल सबसे शानदार सवाल ट्राई करके देखो बात सही लगेगा तो समर्थन करना जल्दी से सोचो जल्दी से सोचो बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि हां सर हमसे हो जाएगा ट्राई करके देखो लगेगा तो मुझे बताना कभी भी देखो एक हल्की सी कहते हैं ना कभी कभी पूरा हाथ ही निकल जाता है पूछ फंस जाती है कैसे अब ये जो नंबर सीरीज है ये आप रोज मेरे से सुनना चाहते हो रोज सुनना चाहते हो कैसे अब जरा मेरी बात सुनना सुन तो लो, तो लो इधर आओ जैसे मैंने बोला कि सर इसका आंसर क्या होगा बोले हाँ सर। उसने यहां पर बोला कि अतुल सर ये तीन देख रहे हैं हमने कहा हाँ तीन देख रहे हैं उसने कहा कि तीन का आप तीन गुना करके माइनस वन कर दीजिए तो तीनों का नौ में माइनस किया तो आठ आ गया मतलब ये आ गया अब आठ में गुणे तीन कर

मैं आपसे देखो आप मेरी बात ट्राई मतलब समझने की कोशिश करो मैं अगर चौहत्तर में तीन का गुड़ा करके एक जोड़ूंगा तो लंबा पड़ेगा यूनिट डिजिट यानी यानी जिसे इकाई का यानी इकाई का का अंक अंक कहते हैं उसमें जोड़ेंगे इसमें होना चाहिए जो कि दो सौ तेईस है और दो सौ तेईस ही जवाब आएगा वो गलत नहीं हो सकता सहमत हो तो यस सर बोलो बोलो सहमत हो मेरी बात से सहमत हो अभी तो कम मसाला समझाए अभी सात सवाल कराए अभी तेरह सवाल बाकी है जरा सुनना मेरी बात को अभी जैसे ये आया हाथी का अंबारी से संबंध है तो घोड़ा का संबंध किससे अब जरा देखो आधे से ज्यादा लोग मैं में से ओपन चैलेंज देता हूं अगर हिम्मत है तो 90 परसेंट लोग आंसर करके दिखाओ आंसर दे के दिखाओ और मेरी बात समझने की कोशिश करना आंसर करके दिखाओ देखिए कितने लोग कर पाते हो आंसर करके दिखाओ दिमाग लगाओ कि अतुल सर का कहना सही है या गलत लगा लो दिमाग 90 परसेंट को चैलेंज देता हूं करके दिखाओ अगर एलिफेंट का संबंध अंबारी से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा हाउ इज हॉर्स रिलेटेड टू किससे होगा हूफ हम किससे होगा जल्दी से सोचो अब मेरी बात अगर सही लगे अगर पकड़ पाओ तो ठीक है नहीं पकड़ पाओ तो ये आपके साथ संबंध है इसका घोड़े का संबंध किससे होगा याद रखना लादना से वो क्या करता है लादता है सैडल जिसे कहते हैं ठीक है ठीक है खूफ तो नहीं होना चाहिए कुबड़ा होता नहीं है मेरे ख्याल से वो हिंदी उसकी कुछ अलग लिखी हुई है उस पे होता है जिसपे बैठते नहीं है एक अंबारी मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज में कन्नड़ या किसमें बोलते हैं कि हाथी के ऊपर जैसे जिस पे राजा महाराजा बैठते थे वो उस टाइप का होता है ना और जिस पे घोड़े पे जो बैठते हैं इसका आंसर बताओ नवा सवाल अब तो सुनो 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 देखो 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 इन सवाल को हल्के में मत लेना ये नंबर कटवाने वाले सवाल है इसे हल्के में मत लेना ये नंबर कटवाने वाले सवाल है ये नंबर कटवाते हैं क्योंकि ये ये इन पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि अरे हाँ सर ये ओ ये हो जाएगा मेरी बात जरा समझना हाँ वो इसीलिए उसको जिसपे बैठते ना उसको कहते हैं अच्छा जो भी लोग मुझे सुन रहे हो जो लोग भी मुझे सुन रहे हो मेरी बात बहुत गौर से सुनना बेटा बहुत गौर से सुनना इस बार SSC GD में में रीजनिंग आधा नंबर भी कम हुआ ना तो ये समझ लेना कि मेरे मान सम्मान पे चोट है जिस क्वेश्चन पे मैं इंफोसाइज करूं यार या या लाइक वाला बटन तो दबा के अटेंडेंस तो रोज जो लोग आते हैं यार तुमको भी अटेंडेंस के लिए बोलना पड़ता है तो बुरा लगता है यार कम से कम अंगूठे वाला बटन तो दबा दो अब ये अगर तुम एक बात बताओ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत छोड़ दो तुम एक चीज अतुल अवस्थी की आदत डाल लो अपने अंदर कि सर मुझे ऑप्शन से मुझे आंसर चाहिए मुझे सिर्फ आंसर चाहिए मैं चाहे जो करूं तो मैंने कहा चलो ठीक है अब जैसे आपसे मैं बोला गया ये जे का अपोजिट क्यू है बी का अपोजिट वाई है जी का अपोजिट टी है ई का अपोजिट ये है यानी अपोजिट है बोले सर ठीक है अपोजिट है तो अब पूरा क्वेश्चन करने की आदत छोड़ दो पूरा क्वेश्चन करने की आदत छोड़ दो मुझे पता है कि एफ का अपोजिट यू होता है तो आगे यू आना चाहिए नमस्ते 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 चौथा सही है चौथा सही है मतलब मैं आपसे एक चीज दरखास्त करना चाहता हूं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे लाल मेरे भाई मेरे हम सफर क्वेश्चन रघुपति राघव राजा राम और जितना पैसा सिर्फ उतना काम मैं आपसे बार बार कहता हूं अपनी इफिशियंसी कम से कम लगाओ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा निकालो इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो बोले अतुल सर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने कहा क्या मिस्टेक कर दिया बोले सर देखिए आप जब ये सवाल कर रहे हैं आपने ध्यान नहीं दिया तो हमने कहा ऑप्शन ही हटाना है ऑप्शन हटाना है। अगर मिस्टेक हो गया अंत में यू होना चाहिए तो चलो अच्छा ये वाला ऑप्शन हट गया ठीक है के का अपोजिट पी, पी आ गया ये ऑप्शन हट गया आप सही है करूंगा लेकिन ऑप्शन हटा के ही करूंगा मान लो जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया लेकिन करूंगा मैं ऐसे ऑप्शन हटा के मैं मानता हूं कि मेरी जल्दबाजी में इसी तरीके का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है लेकिन अगर मेरी आदत बनी हुई है जल्दी सॉल्व करने की तो ये आदत आप छुड़वा नहीं सकते और कंपटीशन में इस आदत के लिए लोग पैरों पहले पैर घिसते हैं एड़ियां रगड़ते हैं मानता हूं एक दो क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होगा लेकिन अब दोबारा औकात में रहेंगे हम भी और तुम भी कि अतुल सर थोड़ा सा देख के करिए क्योंकि सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी तो आई थिंक अतुल सर नेक्स्ट टाइम आप इस बात को ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला क्वेश्चन जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं जिनको आपको जिसका आपको हमेशा फॉर्मूला सिखाया जाता है अब आप सोच रहे हो कि मैं पीपीटी कैसे बनाता हूं मुझे अपने पीपीटी के सारे क्वेश्चन याद हैं कि कब मैंने क्या लगाया है मैंने अभी क्वेश्चन खोला नहीं है ना मेरे मेरे पीपीटी में किस जगह मैंने कौन सा क्वेश्चन लगाया है मुझसे पूछो मुझे एक एक क्वेश्चन याद है अगला क्वेश्चन आएगा कैलेंडर का मैं याद रखता हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है ठीक है ना अब मेरी बात जरा सुनना आज तुमको एक इसकी तबाही ट्रिक बताते हैं और मेरी ट्रिक, तुम लोग सॉल्व मत करना मुझे सॉल्व करने दो और मेरी मेरे मेरी चीजों को सुनो तुम मैं मान गया तुम आंसर निकाल लोगे मैं मान गया तुम आंसर निकाल लोगे मुझे सुनोगे मुझे सुनोगे

वन ट्यूजडे को बोले सर दो ट्यूजडे वेडनेसडे को बोले सर तीन थर्सडे को बोले सर चार फ्राइडे को बोले सर पांच और सैटरडे को बोले सर छे। ये कोई कोड नहीं है ये कोई कोड नहीं है याद रखना इस दिन ऐसे मतलब संडे को कोई काम नहीं सारा काम ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है सैटरडे को ठीक है अब मेरी बात सुनना जब भी ये सवाल कर रहे हो रोल नंबर वन सबसे पहला याद रखना स्टेप से याद रखना कभी गलत नहीं होगा कभी गलत नहीं पहला स्टेप जो दिया गया हो उससे एक साल घटा के नीचे लिख लो अब आपका सबसे पहला सवाल होगा कि ये क्यों किया आपने मैंने कहा बेटा जी मुझे कंप्लीट ईयर चाहिए मुझे कंप्लीट ईयर चाहिए कंप्लीट ईयर याद तो कंप्लीट ईयर कितने दो हजार नौ पूरे 2009 हजार नौ साल हो गए 2009 साल कंप्लीट ईयर है क्योंकि 2010 का सिर्फ 19 फरवरी हुआ है अभी 2010 का मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा 2010 बाकी है बोले हां तो इससे एक घटा के नीचे लिख लो पहला रूल पहला रू, पहला रूल दूसरी बात जो लोग मेरे साथ कैलेंडर पढ़े हुए हैं उनको ये मैंने प्रूफ किया है कि 100 साल में पांच विषम दिन होते हैं 200 साल में तीन विषम दिन होते हैं 300 में एक होता है और 400 में जीरो होता है ये प्रूफ कराया है मैंने ये कैसे होता है क्यों होता है आप मेरा कैलेंडर का वीडियो देख सकते हो इसे याद करना है अगर आप प्रूफमेंट वैसे आपके एग्जाम में पूछता नहीं है आप इसे याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा चार सौ जीरो है तो आठ सौ भी जीरो होगा आठ सौ जीरो है तो बारह सौ भी जीरो होगा बारह सौ जीरो है तो सोलह सौ भी जीरो होगा यानी चार सौ का जितना मल्टीपल आता जाएगा वो सब जीरो हो जाएगा तो अगर यहां पे दो हजार नौ लिखा है तो यहां पे दो हजार जीरो हो जाएगा और दो हजार जीरो हो गया तो मात्र नौ साल बचा और नौ साल में कितने लीप ईयर हैं तो बोले नौ साल में हर चौथा साल लीप ईयर होता है चार कितने लीप ईयर मिले दो लीप ईयर मिले यानी नौ दो ग्यारह टोटल ग्यारह यानी आप यह कह सकते हो कि मुझे 2009 में टोटल ग्यारह विषम दिन मिले इसे हम ग्यारह और डेज कह सकते हैं ठीक है अब अगर यह 19 फरवरी लिखा है तो जनवरी हमारी 31 की और फरवरी हमारी 19 की है ना तो अब हम यहाँ पे 31 जनवरी और 19 फरवरी बस इसको कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा कैलकुलेट कैसे करेंगे मेरी बात ये भी सुन भाग करो लेकिन मुझे ज्यादा बड़ा पड़ेगा तो मैं इससे सात हटा दूंगा यहां पे चार बचेगा इससे सात हटा दिया इससे अट्ठाईस यानी सात का मल्टीपल हटा दिया तीन बचा इससे सात दूनी चौदह हटा दिया तो पांच चार नौ पांच बचा यानी पांच तीन आठ चार बारह बारह हो गया और इसे सात से भाग कर दिया तो सात कम बारह को सात से भाग कर दिया आया आया ये आया ना और को क्या है पांच को क्या है फ्राइडे गूगल में ये ये तारीख डालो गूगल में ये तारीख डालो उस दिन फ्राइडे ही आएगा गूगल में ये तारीख डालो उस दिन फ्राइडे ही आएगा कंफर्म है फ्राइडे ही आएगा ये कंफर्म है बोले सर आप इतना छीछा लेदर बताए हैं इसको तुमको जिनको जिनको ये प्रैक्टिस हो जाएगी अभी तो मैंने कराना शुरू किया है जिनको ये प्रैक्टिस हो जाएगी उनको बड़ा आसान हो जाएगा इससे एक कम किया 2009 2000 निकल गया बचा नौ नौ में दो लीप ईयर नौ दो ग्यारह ये खत्म उन्नीस में यहां पे निकाल लिया 19 में जनवरी 31 की 28 निकल गया तीन बचा इससे 11 निकल गया चार चार तीन सात सात और यहां पे ग्यारह सात ग्यारह आपस में जोड़ के कैलकुलेट कर लिया आंसर आ गया बोलो समझ में आएगा कि नहीं और अभी आज पहला सवाल है ये पहला सवाल है अभी हम हम आपको इस इसी तरीके की क्वेश्चन बताते रहेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा दस में में अब पहले गूगल डाल के देखो इस तारीख को यही दिन था इस तारीख को दस याद रखना उन्नीस फरवरी दो हजार दस को शुक्रवार ही था चेक कर लो आराम से तो दस में से किसके कितने सही हुए दस में से किसके कितने सही हुए चलो तो चलते हैं ग्यारह से बीस के सफर में 11 से 20 का सफर शुरू करने जा रहा हूं 11 से 20 तक का सवाल शुरू करने जा रहा हूं अभी तक 10 सवाल बताएं, 10 सवाल में जिसके जितने मार्क्स हैं वो बता दें और अगर किसी को ये लगता है अतुल सर मैं तो इस नंबर सवाल से जुड़ा था अतुल सर मैं इस नंबर सवाल से जुड़ा था तो अब कोई बात नहीं अब मैं ग्यारह से बीस तक का सफर शुरू कर रहा हूं आ जाओ आप देखते हैं क्या कुछ बढ़िया है चलो जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो तो 11 से 20 का मैं परमिशन मान लू हाँ सर शुरू करते 11 से 20 ये रहा सवाल ग्यारह हुआ जल्दी से शुरू हो जाओ फ्राइडे है फ्राइडे ही आएगा बेटा चाहे हमसे पांच सौ की शर्त लगा लो जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा सबसे लाजवाब सवाल जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा हाँ अब यह भी ना हो पाए तो फिर बेकार है बेटा इस ब्रह्मांड में अगर इस ये भी सवाल ना हो पाए तो बेटा जी समझ लेना कि मानव योनि में जन्म बहुत गलत हुआ है अगर इसको सॉल्व किए तो हम मार मार के दांत तोड़ देंगे बता दे रहे हैं

करो आधा ही सॉल्व करो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत छोड़ दो कि नहीं मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर मजा आया तो एक बार अंगूठे वाला बटन दबाओ मजा आया तो एक अंगूठे वाला बटन दबाओ कि सात्रीक वन हुआ नौ दुनिया आथ हुआ चौबीस चार यानी यूनिट डिजिट देख के मैंने जवाब दे दिया कि आंसर ये होगा अगर मैंने सही किया तो एक बार लव यू बोल दो कि हा अतुल सर सहमत हो सहमत हो मेरी बात से जल्दी से आगे चलते हैं अभी उसने बोला कि भुवनेश्वर का उड़ीसा से संबंध है तो आइजोल का संबंध किससे होगा अगर भुवनेश्वर इज रिलेटेड टू उड़ीसा देन आइजोल इज रिलेटेड टू भुवनेश्वर का संबंध अगर उड़ीसा से है तो आइजोल का संबंध किससे है मिजोरम से मेघालय से मणिपुर से या त्रिपुरा से जल्दी से सोचो मिजोरम का संबंध अगर मेघालय से है तो मणिपुर का संबंध सॉरी मिजोरम का संबंध सॉरी भुवनेश्वर का संबंध अगर उड़ीसा से है तो आईजोल का संबंध किससे होगा अब इधर आ जाओ आइजोल ये भी पता है कि हाँ सर आईजोल मिजोरम की राजधानी है मिजोरम की राजधानी आईजोल है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है ठीक है ना राज्य और राजधानी आशा करते हैं इतना तो क्लियर ही होना चाहिए अब जैसे ये सीरीज है बताने वाले को पांच मानसिक रूप से नगद पुरस्कार पांच सौ रुपए नगद इनाम है अगर तुम्हारा दिमाग 21 सेकंड में चल गया तो और नहीं कर पाए बेटा जी मैं बार बार कह रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं मुझे टाइम जरूरी है मैं तुम्हारा सिग्नेचर होना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन करो दुनिया देख के समझ जाइए एक हजार की सर लगा लो अतुल अवस्थित पढ़ाए है मैं तुम्हारा सिग्नेचर बनना चाहता हूं ये मेरे मेरे जीवन का सपना है मुझे अपना सिग्नेचर बनाओ देखो ये जीवन का सबका अपना अपना एक सपना होता है मैं चाहता हूँ तुम्हारे जीवन का सिग्नेचर बनना चाहता हूं अगर आपने आपने कभी भी देखा होगा कि मैं कह मान लो मुझे भी नहीं आता हम नहीं जानते सर हम ना थोड़ा पढ़ने में कमजोर बहुत है हमको ये सब नहीं आता हम कह नहीं आता कोई बात नहीं 60 परसेंट सीरीज तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो 60 प्रतिशत सीरीज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं 60 प्रतिशत सीरीज का आंसर ऐसे आ जाएगा नहीं आता 23 में 19 घटा दो दुनिया गई तेल लेने हमको नहीं समझ में आ रहा है यहां पे नौ चार तेरह हो गया जय श्री सीताराम यहां चार का अंतर है हमको नहीं आ रहा है हम पढ़ने में बहुत कमजोर है मैं कह रहा हूं कमजोर वाले आओ ना आगे मुझे बताओ 32 में से मैंने 23 घटा दिया 32 में से 23 घटा दिए 12 हो गया और 9 तीन 12 होता है यानी 9 हो गया बोले हाँ सर यहां पे देखो 9 का गैप है अगर हमने कहा यहां 48 लिखा है यहां पे 32 लिखा है माइनस कर दो यहां 16 का गैप है तो अब अगर अभी भी अगर ना समझ में आए तो आओ तुम्हारे माथे माथे को चूम के हम कह दें कि बेटा अब मुश्किल है आगे आगे का सफर बहुत मुश्किल है क्योंकि ये दो का स्क्वायर है ये तीन का स्क्वायर है चार का स्क्वायर है पांच का स्क्वायर है छह का स्क्वायर है छह तीन नौ यूनिट डिजिट नाइन होनी चाहिए एक यूनिट डिजिट नाइन होनी चाहिए एक एक बात जिंदगी में याद रखना मैं बार बार आपसे कहता हूं अगर रीजनिंग का पेपर है और ये कह दिए कि सर मेरा 40 में 40 नंबर किसी की औकात हो तो साढ़े उनतालीस कर दो जिंदगी भर गुलामी करूंगा तुम्हारी तो उस दिन लगता है कि नहीं हां सर हमने पढ़ा है हिंदी करके आओ सर 40 में चालीस करके आया हो रीजनिंग और हिंदी में अगर एग्जामिन किसी की औकात हो आधा नंबर कम कर दो क्यों क्योंकि पहला मैं नहीं कह रहा हूं पहला सही है मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा तीसरा चौथा जिसके अंदर गूदा हो सही करके दिखा दे दूसरा तीसरा चौथा ये मेरा घमंड नहीं मेरा एटीट्यूड नहीं मेरे क्वेश्चन करने का तरीका मुझे बोलता है कि पहला ही सही होगा मतलब पहला ही सही होगा ये आदत में डालो खुद कहोगे अतुल सर सही कह रहे थे और सुनो अभी तो पहला अभी ये ते, ते, तेरहवा सवाल है घड़ी के मिनट वाली सुई चार साढ़े चार बजे उत्तर पूर्व दिशा में है तो दस बज के तीस मिनट में घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी लगा लो दिमाग बेटा जी मैं हर टाइप का क्वेश्चन रखता हूं क्योंकि मुझे सबको पढ़ाना होता है ठीक है ना मुझे सबको पढ़ाना होता है इसलिए समझने की कोशिश करो अगर आपसे कोई यह पूछता है कि चार बज के तीस मिनट है तो चार बज के तीस मिनट है अगर आप लोगों का दिमाग सही है अगर यह तीन है यह नौ है और यह बारह है तो बताओ चार बज के तीस मिनट अगर चार ये पांच ये सात ये आठ ये है, तो चार बज के तीस मिनट का क्या मतलब हुआ चार बज के तीस मिनट का मतलब वो पांच बजने जा रहा है घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई एग्जैक्टली यहां होगी साढ़े चार बज रहा है तो घड़ी की मिनट वाली सुई साढ़े चार बजे मतलब साढ़े चार बजे घड़ी की जो मिनट मिनट वाली सुई है ये जो मिनट वाली सुई है वो कहां है उत्तर पूर्व यानी ये नॉर्थ ईस्ट है ये नॉर्थ ईस्ट है ठीक है ना तो बोल रहा है 10:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी 10:30 पे घंटे वाली सुई तो हम ये मान मान लिए कि सर ये यहां पे ये 12 है सर ये यहां पे 6 है ये यहां पे 3 है ये यहां पे 9 है यहां पे 10 है यहां पे 11 है और जब एग्जैक्टली exactly, घंटे वाली सुई यहां होगी ये बजेगा साढ़े दस ये बचेगा साढ़े दस बजेगा साढ़े दस अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो जो सब डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा मेन डायरेक्शन हो जाएगा जो सब डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा मेन डायरेक्शन हो जाएगा बोलो ये मेन डायरेक्शन हो जाएगा तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा बोलो तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा बोलो हाँ या ना इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोच समझ के जवाब देना अभी भी कह रहा हूं कि सारे गलत हो सारे गलत हो सोच समझ के जवाब देना मैं फिर कह रहा हूं सारे सारे गलत गलत हो हो उसने उसने बोला बोला बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी यानी ये ये वाला वाला कौन सा होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है सब डायरेक्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता सब डायरेक्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता सब डायरेक्शन आंसर होगा ही नहीं और अगर ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ में जा रहा है ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ में जा रहा है ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा है ये

होगी ये वाली जो होगी मेन डायरेक्शन होगी तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ये दोनों तो हो ही नहीं सकते मेरे कहने पे मत पढ़ना क्या अतुल अवस्थी समझा रहे हैं अतुल अवस्थी समझा रहे हैं इसलिए नहीं अंतरात्मा से आवाज आए तो मुझे कहना कि ये अगर सब डायरेक्शन है तो ये हर प्लस वाला साइन सब डायरेक्शन होगा सब डायरेक्शन होगा साढ़े दस बजे वाला साइन आ रहा है यानी मेन डायरेक्शन होगा और ये नॉर्थ ईस्ट है ये नॉर्थ ईस्ट है तो स्वाभाविक सी बात है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये वाला साउथ डायरेक्शन चला जाएगा वेस्ट नहीं होगा इस वजह से यहां पे वेस्ट बिल्क, साउथ बिल्क, 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 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साउथ विल बी द राइट आंसर अब बताओ साउथ विल बी द राइट आंसर अब जिनका जिनका गलत हुआ है अब देखो कंप्यूटर जी इसमें आओ बाओ कहीं पर भी टिक लगाएंगे क्योंकि सही परफेक्ट नहीं वो करेक्ट आंसर ये नहीं सोचना वेस्ट पे लगाया है बाई मिस्टेक लगाया साउथ विल बी द राइट आंसर सीधी रेखा चलो सीधी रेखा कॉमन सेंस से काम किया करो ना अब बताओ अगर वो सब डायरेक्शन बोल रहा है तो आप उतना लगाओ जितना जरूरी है पहले टाइमर है तुम्हारे सामने मैं सामने नहीं हूं टाइमर है तुम्हारे सामने इतना सोच समझ के किया करो बेटा जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा सीधी रेखाएं कितनी है इसमें कुल कितनी है? जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ कितनी सीधी रेखाएं बात सही लगेगी तो समर्थन करना हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन अब मेरी बात जरा समझना मैंने हटाया क्यों

दो तीन चार पांच दुनियादारी गई तेल लेने ये वाला पांच लाइन है एक दो तीन ये वाली कितनी लाइन है तीन लाइन है ठीक है ना एक दो तीन चार पांच छ ये वाली कितनी लाइन है छ पांच ग्यारह और तीन चौदह चौदह लाइन हमको लग रही है इसमें चौदह तो ऑप्शन में ही नहीं हमको तो चौदह लाइन लग रही है चौदह है वो बाई मिस्टेक लिख दिया वैसे तेरह सही कर दो क्योंकि सोलह तो हो नहीं सकती क्योंकि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह टोटल चौदह लाइन है वो बाई मिस्टेक लिखा हुआ है यहां पे चौदह लाइन है तेरा भी बोल दिए तो ठीक है लेकिन चौदह लाइन है लेकिन आप इसको सुनना पड़ेगा अगर नहीं समझ में आएगा आप हमको बोलो कि सर हम यहां तक नहीं कर पा रहे पंद्रह क्वेश्चन हो गया पंद्रह सवाल हो गया हर अब देखो तुमको एक आज, आज सुनो आज की सबसे लाजवाब ट्रिक सुन के जाओ सबसे लाजवाब ट्रिक सुन के जाओ अगर बात सही लगे तो हमको बताना सबसे लाजवाब ट्रिक पहले सुनो बात सही लगेगा तो समर्थन करना लगा लो दिमाग मछली कहां रहती है मछली कहां रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मछली कहां रहती है गलत हुआ तो समझ लेना नहीं पढ़ते पूरा नहीं पढ़ेंगे तुमको सौगंध है अगर पूरा पढ़े तो. रहती है? अरे पका नहीं क्या है मछली जल की रानी है सुबह पका के खानी नहीं मछली रहती कहां है यह हम किसी देखो मछली जल की रानी है तो मछली क्या है मछली पानी में रहती है तो अब पानी के सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए पानी ये है और पानी को क्या कहते हैं रंग कहते हैं पानी को रंग कहते हैं तो इस समय मछली कहां रहेगी रंग में रहेगी पछनी मछली कहां रहेगी रंग में रहेगी अच्छा बताओ क्या पूरा सुनने की जरूरत है बोलो ना यार पूरा सुनने की जरूरत है हवा को क्या कहा गया का कहा गया धूल को क्या ऐसी तैसी में जाए मछली कहां रहती है ठीक है ना ये याद रखना जैसे बारात में जाते ना कि दूल्हा दुल्हन पे निगाह रहती है और किसी पे नहीं देखो ये मैंने आपको बताया था इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है क्वेश्चन करने के तरीके से पता चल जाता है कि किसमें कितना दम है जल्दी से दिमाग लगाओ बात सही लगेगा समर्थन करना बात सही लगेगा समर्थन करना अब जैसे मेरी बात समझना मैंने तुमको क्या सिखाया था ये देखो इसकी ट्रिक ऐसे ऐसे सिखाता हूं कि तुम मरते दम तक सब भूल जाओगे लेकिन ट्रिक नहीं भूलोगे देवरानी जेठानी इसमें कौन कौन सी है दोनों देवरानी जेठानी कौन कौन सी इसमें छह महिलाएं हैं छह महिलाएं एक दूसरे की देवरानी जेठानी है पूछो कैसे ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकती असंभव है ये दोनों जहां भी एक साथ रहे कभी नहीं याद रखना कौन सा मुड़ा हुआ घन हो सकता है ए और डी कभी एक साथ नहीं रह सकते ये दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकती देवरानी जेठानी में प्यार नहीं हो सकता असंभव है इस पृथ्वी में मुश्किल है ठीक है ना ये देखो कभी नहीं रह सकता मेरी वजह से मत पढ़ना क्या कैतुल अवस्थी पढ़ा रहे हैं और e बी इस ब्रह्मांड में आज तक कोई ऐसा घर नहीं बना ई और बी कभी एक साथ नहीं रह सकते और e कभी भी खुले पासे में एक दूसरे की देवरानी जेठानी कौन है तो बोले गुरु एक छोड़ के अगला बोले सर आप झूठ बोलते हैं कभी आइए आप हमारे घर आप कैसे कह सकते हैं देवरानी जेठानी में प्यार नहीं होता है अभी आपने वो परिवार नहीं देखा है और नहीं तो क्या सर आपने वो परिवार नहीं देखा जहां देवरानी जेठानी में प्यार होता है वालों को बुला लो और कहीं भी ऐसे रिकॉर्डर कैमरा लगा दो या कहीं माइक लगा दो दिन तुमको समझ में आ जाएगा देवरानी जेठानी में कितना प्यार है दोनों अलग अलग खून है प्रेम होना असंभव है वो दुनिया जरूर देखी अरे अरे दीदी अरे दीदी रहने दीजिए ना 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 दोनों के अलग अलग मायके वाले आए देखो करती क्या है दिन भर तो ऐसे भाई जैसे बैठी रहती है तो ये दोनों कभी एक साथ रह ही नहीं सकती असंभव है जहां हो उसको काट दो आंसर हो ही नहीं सकता कहते तो उस पृथ्वी पर संभव ही नहीं मृत्यु लोक में संभव ही नहीं है अट्ठारहवें का आंसर बताओ मेरे कहने से मत पढ़ा करो अगर तुम्हारी नफ्स तक पहुंचो और बात सही लगे तो समर्थन करना आज का सबसे बेहतरीन सवाल आज सबसे बेहतरीन सवाल नाइन्टी परसेंट गलत करोगे 90% गलत करोगे और बाद में बोलोगे अरे सर सॉरी सर देखे नहीं 90% गलत करोगे एक बार में आंसर देना बात सही लगे तो समर्थन करना हमको पता है तुम लोग हमको ऐसा बोलोगे इधर आओ इधर आओ सुनो पहले इधर आओ पहले इधर तो आओ दो सेकंड के लिए सुनो तो पहले बोले क्या अतुल सर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जितने लोगों को मैंने बोला था ये देखो ये एक लिखा है ये दो लिखा है ये तीन लिखा है बोले हां अतुल सर आराम से सीखो मैं भगवान कसम नहीं भागूंगा दोस्ती कसम खा के कह रहा हूं बोले फिर एक लिखा है दो लिखा है तीन लिखा है बोले जब भी आपसे यह कहा जाए कि, कि किसी में वर्ग निकालने हैं तो वर्ग निकालने के लिए अगर रो और कॉलम की संख्या सेम है यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम है तो आपको करना है वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर यानी वन प्लस फोर प्लस नाइन नौ एक दस चार चौदह बोलिए वाके बिहारी लाल की बोलिए बाबा श्याम की है ना बोलिए बोले समझ में आ रहा है ना चौदह अब सूखा सूखा बेटा जी आराम से आराम से चौदह कोई दिक्कत नहीं स्क्वायर कर रो कॉलम जब सेम हो ठीक अब ये पंद्रह आराम से मोहब्बत से प्यार से ये सोलह ये सत्रह ये अठारह है ना अठारह 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 अब जिनका जिनका चौदह आया है क्यों ऐसा काम करते हो कि मैं कुछ बोलूं अब जिनका चौदह आया है तुमको नहीं लगता कि अतुल सर उसको छोटे भाई की तरह बुलाएं उसका माथा चूमें कि जाओ बेटा जाओ बाहर खेलो थोड़ी देर जाओ देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं जाओ तुम भी खेलो अब चौदह अगर ये चौदह आया तो ये हमारे फूफा गिनेंगे क्या ये गिनेंगे तो अतुल अवस्थी है ना तो आशा करते हैं आपको इसे देख लेना अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो यार पूरा अंडरवर्ल्ड देख रहा है इस समय मुझे कम से कम एक बार अटेंडेंस तो लगा दिया करो सिलॉग एक बार यार बोल दो ना मेरी मेरी मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे हैं एक बार बोल दो किसी की औकात हो तो मेरा सिलॉक गलत करके दिखाओ ऐसे बोल दो औकात हो तो कोई गलत करके दिखाए औकात हो तो गलत करके दिखाओ ये काम मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे हैं कि सर इस लेवल पे सिलॉग तैयार हो गया है हो ही नहीं सकता कि मेरा गलत हो जाए मतलब एग्जाम के समय तुम कहोगे कि सर सर एग्जामिनर ने सिलॉक दे दिया मेरा नंबर पक्का सर एग्जामिनर ने डाइस का क्वेश्चन दे दिया मेरा पक्का मतलब कि पूरा पेपर बीस नंबर में देगा क्या वो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा अरे छान घोट के ना अगर खत्म कर दिया तो नाम बदल दीजिएगा तुल सर ये होना चाहिए अब मेरी बात सुनो इधर इधर आओ सुनो यार ये बोलो ना एक बार में सबका जवाब सही आना चाहिए यार पूरा अंडरवर्ल्ड अतुल अवस्थी को देख रहा है पूरे अंडरवर्ल्ड में थूथू मत कराना यार इधर आओ इधर आओ बोले क्या सर सिलॉग में जरा देखो कुछ नहीं बेटा जिनको नहीं आता मैं आपके मुंह से आंसर कब बुलवाऊंगा अगर आप जस्टिफाइड हो तो मुझे बोलना ऑल बॉल्स आर बाउंसी सारे बॉल्स क्या हैं सारे बॉल्स क्या हैं बाउन्सी हैं सारे बॉल्स बाउन्सी हैं बी ओ यू एन सी वाई है, है ना सारे बॉल बाउन्सी हैं उ सारे रबर किसके अंदर है बाउंसी के अंदर है सारे रबर बाउंसी के अंदर है। बोले हाँ सर, प्यार से धीरे 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 सम बॉल्स आर बाउंसी अच्छा बताओ अगर पूरा बॉल बाउंसी के अंदर है तो कुछ बॉल बाउंसी है बोले अतुल सर एक बात बताइए जब पूरा बॉल बाउंसी के अंदर है तो सम बॉल बाउंसी कैसे हो गया सम बॉल बाउंसी कैसे हो गया बोले हां अगर हम तुमसे कहें कि तुम कितना पढ़े हो बोले सर हम ग्रेजुएट हैं तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब हाई स्कूल पास हो तो बोले सर आपका दिमाग खराब है हम जब कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएट हैं तो हाई स्कूल तो पास ही होंगे ना तो अगर पूरा बॉल्स बाउंसी के अंदर यानी सम बॉल्स बाउंसी होगा बोले हाँ सर ऑल रबर आर बॉल क्या पूरा रबर बॉल के अंदर है बोले सर एक ही मकान के दो किराएदार हैं इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ये बाउंसी के अंदर ही बॉल रहे तो यानी ये गलत हो गया सो ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर

लास्ट क्वेश्चन मजा आ रहा है सभी को एक बार अंगूठे वाला बटन दबाओ रोज शाम को छह बजे मेरी क्लास होती है मेरी क्लास की टाइमिंग रोज शाम को छह बजे और जो लोग मेरे पेट बैच, मेरे बैच पास टॉपिक वाइज मैं मानव जीवन में एक बार ऐसा समय निकालो कि अतुल से टॉपिक वाइज पढ़ लो एक बार पूरे मानव जीवन में अतुल से ये टॉपिक वाइज पढ़ लो भगवान का अगर ऐसा मन करेगा कि सर आप बाहर आ जाइए एक बार सीने से लगा ले कि सब कम सेम से मजा आ जाती है तो आज लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जरा देखिए कितने लोग मुझे इसका आंसर बता पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा आधे से ज्यादा लोग मामला खराब हो जाता है ना वो भी एक बार अतुल अवस्थी को लव यू अतुल सर बोलने की हिम्मत रख दे यार भगवान ऐसी मुझे सदबुद्धि दे आज तुमको एक ऐसी ट्रिक बता देते आओ। तुमको करने का बहुत ही शानदार तरीका बता देते हैं बात सही लगेगा तो समर्थन करना अब मेरी बात सुनना कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है जाना तो तुमको सौगंध है लाइक करके जाना और जब मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो मुझे मेरी क्लास का रिव्यू चाहिए कि मेरे साथ समय बिता के कैसा लगता है एस यू इसके अंदर है बोले हाँ एस यू इसके अंदर है ओ एन इसके अंदर हाँ सी के अंदर है सी तो है तो लेकिन नहीं नहीं है यानी ये नहीं बनाया जा सकता यानी सी है तो इसके अंदर ये नहीं बनाया जा सकता बोलो सहमत हो तो मुझे से लो। आजीवन अगर मुझे याद ना रखे तो जिंदगी भर के लिए मारकर छोड़ दूंगा करता हूं बार बार आपसे कहता हूं कहने पर सब कुछ सोच लो कि आज जिंदगी में मैंने जितना पैसा तुम्हारा इधर उधर गया अभी ऑफलाइन में देखो हर जगह

तो कहोगे कि कि सर पहली बार ऐसा पेड़ देखा कि दिल इतना इतना ग्राफिकल आपको पीडीएफ आप कर तो आप तो लाइक करके जाइएगा मंदिर और सही जगह जब भी जाते अपनी छाप छोड़ के जानी चाहिए तो एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा देना मुझे जरूर बताना कि मेरी क्लास कैसी लगी और जितने लोग हो कूपन कोड Y272 टू सेवन टू लगा के एक बार जैसे होता है ना कि हम प्रयागराज से हैं तो हमारे यहां गौदान होता है पूछ पकड़ के दान दे देते हैं कि ये राजा दानविंद्रोधा ऐसे होता है ना कि एक बार कर दिया मैं कहता हूं कि जिंदगी में सबको ट्राई कर लिया एक बार अतुल अवस्थी को ट्राई करो और देखो कि जिंदगी में सिलेक्शन होना ना होना कि तुम जीएस कैसे पढ़ते हो मैथ्स कैसे पढ़ते हो रीजनिंग कैसे पढ़ते हो हिंदी इनका पूरा का समावेश कैसे पढ़ते हो लेकिन रीजनिंग का अगर टीचर ना बना दिया तो मेरा नाम क्योंकि ना ग्रेजुएशन में पढ़ते हो ना ट्वेल्थ में पढ़ते हो ना हाई स्कूल में पढ़ते हो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग नहीं पढ़ते हो

यावन रुपया पड़ेगा लो मेरा कूपन कोड लगा लो चार सौ निन्यानवे का पड़ेगा चार सौ निन्यानवे में दो सौ घंटे की क्लास के सिवा ठेंगा कुछ नहीं मिलने वाला सिर्फ दो सौ घंटे की क्लास मिलेगी वीर टू पॉइंटो में सजेशन वो देता हूं जिससे कम से कम मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थी का पैसा कहां से आता है और मैं जिम्मेदार वीर टू पॉइंटो में अगर दो सौ घंटे की क्लास मिल ले उनके लिए होता है जो शार्प तैयारी करना चाहते हैं एक सौ निन्यानवे घंटे की क्लास है लेकिन अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज किताबें सब कुछ चाहिए तो सोचो करना कुछ नहीं एस एस सी पे जाओ एस एस सी जी डी पे है ये वीर जो है इसके अंदर है और जितने वर्दी के छह स्लॉट पढ़ा चुके वो भी इसके अंदर है वी टू पॉइंट है तो वन पॉइंट है वो इसके अंदर है बस आपको इसको यहां पे खोलना है यहां पे बाइनाव करना है और कूपन कोड बार बार कहता हूं कि जैसे होता है ना सीताराम 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 कहिए है, रहिए तो ये कोड मोबाइल नंबर में सेव कर लो कोई भी हो सजेशन में गलत मत लगाना वाई टू सेवन टू इसके अलावा नहीं होना चाहिए कुछ और ये नौ सौ उन्नीस हो जाएगा नौ सौ उन्नीस अभी भी नहीं अभी भी और कम होगा क्योंकि तो वाई टू सेवन टू लगाए हो तो कुछ मसाला और मिलेगा करना क्या है आठ सौ का हो जाएगा मेरे लाल लेकिन कब आपको ऐप में जाना पड़ेगा ऐप में जाओगे तो क्वाइन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा और ये सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा अब देखो चार सौ निन्यानवे में सिर्फ वीर बैच मिल रहा था अब आपके पास क्या हो गया दो हजार तीन सौ तेरह इस जन्म में खत्म कर लेना तो बताना ये रिकॉर्डेड वीडियो की संख्या है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए यूजर आई पासवर्ड अपने भाई दे देना। यहां पे 180 वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में बताओ अब हम घर दुवार दे दें तुमको ये याद रखना डिटेल हल के साथ है। दूसरी बात 500 प्लस घंटे की लाइव क्लास है यानी आपको अगर मेरे साथ दो साल दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती लेकिन बार बार कहता हूं लिख लो कि कूपन कोड कूपन कोड सारा खेल इसी का है बार बार कहता हूं सारा खेल इसी का है वाई दो, दो जिंदगी बदलने की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी वाई दो, दो मैं बार बार बड़ा बड़ा लिखता हूं चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल वाई टू सेवन टू वाई टू होना चाहिए वाई दो, दो अब कैसे बताएं फिर भी गलत लिख दो तो भगवान मालिक है तुम्हारा और दूसरी सबसे बड़ी बात है एक सबसे आपका शो है वो जल्दी से आप देख लीजिए और इसे आज रात बारह बजे से पहले परचेस कर लेना इतना ही कहूंगा और अगर हिंदी की क्लास है तो उसे एक बार मेरा जरूर देख लेना हिंदी की क्लास आज शाम को आठ बजे में आऊंगा ठीक है आठ बजे मैं हिंदी की क्लास लेकर आऊंगा और एक ये शो है मैं देख लू कहां पे है ये एस एस सी सीजियल दो हजार चौबीस गुरुकुल सीरीज चलने वाली है ये यहां पे देख सकते हो एस एस सी सीजियल गुरुकुल सीरीज एस एस सी सीजल फ्री ऑनलाइन क्लासेस दो हजार चौबीस ये चलने जा रही है ठीक है ना सुबह ग्यारह बजे है ये तो आपको इसमें जुड़ना है एस एस सी सीजियल गुरुकुल सीरीज में इसे लाइक कर दीजिएगा और एक बार मैं कह रहा हूं एक बार मुझे चांस दे दो तुम्हारी जिंदगी में आने का एक बार दे दो अपने बच्चों को भी अगर मेरी कहानी नहीं सुनाए ना तो उस दिन से आजीवन मारकर पकड़ना छोड़ दूंगा तुम्हारी रूह में उतर के दिखाऊंगा क्या चीज जिंदगी में एक चांस मुझे, मुझे रात आठ बजे और मेरे जस्ट बाद सर की क्लास है जिनको परिचय बेहतरीन तरीके से क्लास होती है छह बजे में सात बजे आस्तोष त्रिपाठी सर और आठ बजे फिर मेरी हिंदी की क्लास होती है तो जल्दी से सारे लोग सर की क्लास में मूव हो जाए और आठ बजे मैं फिर आ रहा हूं आपसे मिलने तो आठ बजे सामान हिंदी की ताबड़तोड़ शहनशाही क्लास लेके फिर से मिलूंगा। तो मेरे साथ समय बिता के कैसा लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और सबसे प्यारे कमेंट में आपका कमेंट लिखना चाहता हूं थैंक यू सो मच लव यू ऑल आज ज्यादा समय हो गया और राष्ट्रो सर की क्लास में सारे लोग जल्दी से मूव कर जाए और फिर आठ बजे मैं आप लोगों